दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं आज ही एक कार्ड हमें डिलीवर हुआ है जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस कार्ड को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और आप इस कार्ड का पिन किस तरीके से बना सकते हैं। पिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको प्ले स्टोर में आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सिस बैंक। वैसे मैं इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है ये वाला एप्लीकेशन आपको दिखेगा एक्सिस मोबाइल पे इन्वेस्ट और UPI, तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको तो गाइस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो सबसे पहले आप लॉगिन में क्लिक कीजिए। आपका अकाउंट इसमें पहले से होगा तो आप यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कीजिए और अपना UPI अपना MPIN इंटर कीजिए। MPIN इंटर करने के बाद जो है MPIN इंटर करने के बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हम एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा टोटल रिमेनिंग बैलेंस 793 रुपया दिखा रहा है। तो अब इसको हमें क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है। क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्विक लिंक के नीचे में क्रेडिट कार्ड, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा पेज आ गए हैं, लोडिंग ले रहा है तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है डिस्पैच और ये डिलीवरी का, ये सब ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ रहा है इंटर एक्टिवेशन कोड, तो यहाँ पर हम इसमें क्लिक करते हैं। इंटर एक्टिवेशन कोड में क्लिक करने के बाद हमसे 6 डिजिट का पिन पूछ रहा है जो कि पिन हमें इस लेटर में मिले हैं। मैंने आपको अगले वीडियो में इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था इस लेटर में आपका एक्टिवेशन पिन दिया गया है। तो आप उस लेटर में से जो है अपना एक्टिवेशन पिन देख के यहाँ पर एंटर कर दीजिए। हम अपना एक्टिवेशन कोड यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद आप ये देख सकते हैं डिलीवरी वेरीफाइड का एक ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे एक ऑप्शन आए टैप ऑन द इनवॉल्व टू बिन बिगिन, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद जो है ये एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। आई थिंक ये देख सकते हैं ये जो है एक ऐसा ऑप्शन आए हैं लेट्स सेट अप योर कार्ड, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लिमिट को यूसेज का, तो यहाँ पर आपको यूसेज लिमिट दिया गया है आप किस चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हो और आप किस चीज़ को डिसेबल करना चाहते हैं, किस चीज़ को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग इनेबल करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसका लिमिट कितना रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग को भी यहाँ पर बंद कर देता हूँ। उसके बाद है ATM विड्रॉल, तो ATM विड्रॉल को भी आप यहाँ पर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसको अभी यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर टैप एंड पे को जो है थोड़ा सा इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका लिमिट जो है 5000 कर देता हूँ। उसके बाद है पोस्ट, यहाँ पर हम पोस्ट को भी बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इनेबल कर या डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए हैं इंटरनेशनल यूसेज, तो यहाँ पर हम इन सभी को जो है बंद ही रखते हैं, जब काम पड़ेगा तब इसको हम इनेबल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सेंड OTP टू सेट पिन, तो यहाँ पर हम सेंड OTP में क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पर पिन सेट करना पड़ेगा, तो मैंने OTP में क्लिक किया। अब हमें एक OTP रिसीव होगा बैंक की तरफ से, वो OTP यहाँ पे हम डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना 8 डिजिट का OTP डाल दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करता हूँ। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद ये OTP इनकॉरेक्ट बता दिए, हमें फिर से डालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर OTP डाल के जब मैंने वेरीफाई में क्लिक किया तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ चुके हैं सेटअप पिन इंटर न्यू पिन, तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट का एक पिन इंटर करना पड़ेगा अपने मन से, जो कि हमारा ATM क्रेडिट कार्ड पिन बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना एक पिन सेट कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम फिर से कंफर्म पिन में डाल देते हैं, यानी कि इसको हम री एंटर कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम सेट पिन में क्लिक कर देते हैं। सेट पिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें MPIN पूछा जा रहा है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन का MPIN है। तो यहाँ पर हम MPIN डाल देते हैं। MPIN डालने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सेटअप हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज आ चुके हैं।
यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड लिमिट दिखा रहा है 20,000 रुपीज़। यहाँ पर हम गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं और आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा लिमिट और ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ चुका है जहाँ पर हमें सब कुछ बता रहे हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 दिखा रहे हैं और अवेलेबल क्रेडिट कार्ड लिमिट 20,000 दिखा रहा है। और आप यहाँ पर जो है कन्वर्ट टू EMI भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं, आप इस कार्ड को जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, आप जो भी क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा वो उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका पिन आप बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे आप किस तरीके से एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए पैसा होता .com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।